हेलो ट्रेडर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि फ्राइडे की वीडियो में हमने बोला था कि मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हो सकता है, सेम वैसा ही हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है अराउंड 21,738 के आसपास। उसके बाद मार्केट अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करता है 21,765 के आसपास का, और उसके बाद मार्केट नीचे के साइड मोमेंटम देता है और अपना सपोर्ट ब्रेक करता है और वापस से रिटेस्टिंग के लिए ऊपर आता है अराउंड 21,720 पे, और फिर से यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनती है और काफ़ी अच्छा खासा मूव नीचे के साइड में आता है। तो बात करें तो हमने इस ट्रेड को इस पॉइंट पे अवॉइड किया था 9:30 की कैंडल पे। रीज़न यही था कि जैसे कि ब्रेक डाउन होने के बाद अगर हम इस ट्रेड में एंटर करते तो ये जो हमारा एसएल होता, आप जैसे कि देख सकते हैं इसका एसएल काफ़ी बड़ा होता और ये ऑलमोस्ट सपोर्ट तक भी पहुंच चुका था। उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बन रहा था, तो इसलिए हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया था। और उसके बाद फिर कोई दूसरा कुछ खास सेटअप बना नहीं। यहाँ पे भी मार्केट एक मोमेंटम दिया अच्छा खासा, बट यहाँ पे जैसा कि कोई सेटअप नहीं अच्छा खासा बना था तो हमने इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डब्लू का फॉर्मेशन हुआ था और हमने उस टाइम लाइव मार्केट में बोला था यहाँ पे डब्लू का फॉर्मेशन हो रहा है, एक छोटा सा मूव आ सकता है, बट ये अच्छा डब्लू नहीं बन रहा है तो इसके मूव भी काफ़ी छोटे होंगे। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर आपने इस पॉइंट पे ट्रेड लिए होते तो आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया होता, बट मेरे को ये ट्रेड अच्छा नहीं लगा तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया था। और उसके बाद मार्केट वापस से सेम रेजिस्टेंस से 21,595 के रेजिस्टेंस से नीचे के साइड मूव देता है। अगर बात करें आज ओवरऑल ट्रेड की, तो हमने आज एक भी ट्रेड नहीं लिया था। और बात करें ट्रेड सेटअप की, तो आज मार्केट में सिर्फ दो ट्रेड सेटअप बने थे। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे एक फीबो का सेटअप बना था जो कि बना था अराउंड इस कैंडल की क्लोजिंग पे, 9:30 की क्लोजिंग पे एक फीबो का सेटअप बना था, और उसके बाद एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का सेटअप बना था। बट ये सेटअप जो था ये उतना अच्छा नहीं था, और इसके पीछे का रीज़न ये था ना अच्छा होने का, कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से वापस से नीचे के साइड रिटेस्ट करने आता है और उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट ये जो रेजिस्टेंस है 21,592 का, ये वापस से रेजिस्ट करता है और मार्केट फिर से नीचे के साइड आ जाता है। तो यही एक रीज़न था कि हमने इस डब्ल्यू को अवॉइड किया था। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, वापस से मार्केट तीसरी बार सेम रेजिस्टेंस से नीचे के साइड अच्छा खासा मूव दे देता है, बट अगर कोई इसमें ट्रेड लेता तो उसको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया होता, क्योंकि प्रीमियम में अराउंड इस कैंडल पे 155 की कैंडल पे और 2 बजे की कैंडल पे काफ़ी अच्छा खासा स्पाइक आ गया था। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल के ट्रेडिंग वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।